वेलकम टू क्रिकेट साइंस। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक बल्लेबाज अपने बैटिंग पैटर्न को समझ सकता है। आप में से काफी लोग मुझसे यह पूछते हैं कि हम बैटिंग तो अच्छा करते हैं पर मैच में हमसे रन क्यों नहीं बन पाता। दूसरा प्रश्न आता है कि मैं अच्छा खेलता रहता हूँ, अचानक गलत शॉट मार के आउट हो जाता हूँ। तीसरा प्रश्न आप यह करते हैं कि मुझसे स्ट्राइक रोटेट नहीं होता और इसी फ्रस्ट्रेशन में गलत स्ट्रोक खेलकर मैं अक्सर आउट हो जाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें और बैटिंग को समझने की कोशिश करें। आपको मैं इस वीडियो में ऐसे 7 स्ट्रोक्स या कहें शॉट्स के बारे में बताऊंगा जो काफी हद तक आपके इन समस्याओं को खत्म कर देगा। हर बैट्समैन यह चाहता है कि वह हर मैच में सेंचुरी बनाए, पर यह संभव नहीं होता। पर आप अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी लाकर काफी रन जरूर बना सकते हैं। आइए एक बड़ी इनिंग को इस उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहां बैट्समैन 100 रन 110 बॉल में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाता है। हम इस 100 रन को ब्रेक करके देखें तो हम पाते हैं कि 9 चौके और 1 छक्के से 42 रन, 31 सिंगल्स और 14 रन डबल्स से, तो वहीं 9 रन 3 ट्रिपल रन से बने हैं, बाकी के डॉट बॉल्स थे। यहाँ यह डॉट्स बॉल और सिंगल्स ही आपके इनिंग को बिल्ड करने का काम करता है। आप वीडियो में जो ग्रीन प्लस देख रहे हैं, यहाँ एक अच्छा बैट्समैन वही इनिंग बिल्ड करने वाले स्ट्रोक्स खेलता है। तो आइए इन स्ट्रोक्स को समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए इस पिरामिड को देखें। 100 रनों को 20-20 रनों के एक एक पैच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम देखते हैं इन पैचेस को जोड़ने के लिए भी हमें कुछ स्ट्रोक्स खेलने पड़ते हैं, और यह वही पैच है जहां हम गलत और अननेसेसरी शॉट खेल के आउट हो जाते हैं और फिर हम यह सोचते हैं कि आखिर हम बड़े स्कोर क्यों नहीं बना पाते। वीडियो में ब्लैक जोड़ आपको दिखाया गया है। यह वह जोड़ है जो आपको बड़ा स्कोर करने में हेल्प करेगा। इन्हीं जगह पर आप विकेट बचाने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेशन और अपने इनिंग दोनों को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 स्ट्रोक्स के बारे में जो देखने सुनने में तो नॉर्मल लगते हैं, पर इनका सही उपयोग आपके बैटिंग में कंसिस्टेंसी तो लाता ही है, साथ ही साथ आपको बड़े स्कोर करने में भी मदद करता है। फ्रंट फुट डिफेंस, ड्राइव, बैकफुट डिफेंस, स्वीप, कट, यह सभी कॉमन स्ट्रोक हैं जो कि हम अपने इनिंग में खेलते ही हैं। इनके बीच में अगर हम इन 7 स्ट्रोक्स को बढ़िया से यूज करते हैं तो आपकी बैटिंग बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। आप देख सकते हैं इन स्ट्रोक्स ने पूरा ग्राउंड कवर कर लिया है। आइए इन 7 स्ट्रोक्स को समझते हैं। ग्लांस, फाइन लेग की ओर हल्के हाथों से खेले जाने वाला यह स्ट्रोक जो कि फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों में खेला जाता है। यह दोनों ही स्ट्रोक लेग स्टंप की गेंद पर हल्के हाथों से स्पिनर और मीडियम पेसर दोनों के अगेंस्ट खेला जा सकता है। यह स्ट्रोक फाइन लेग की ओर जाता है। फ्लिक, फ्रंट फुट फ्लिक और स्टेप आउट एंड फ्लिक, ऑफ स्पिनर या इनकमिंग बॉल के विरुद्ध यह स्ट्रोक बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की अंदर आती लेग स्टंप की गेंद पर आप काफी रन बना सकते हैं। जो बॉलर ज्यादा फ्लाइट देता है उसके विरुद्ध स्टेप आउट एंड फ्लिक बढ़िया विकल्प होता है। ध्यान रखें, पहले बॉल की फ्लाइट जज करें तभी स्ट्रोक खेलें। इस स्ट्रोक के माहिर हैं विराट कोहली। जी हाँ, वे अपने ज्यादातर रन यही स्ट्रोक खेलकर बनाते हैं। कई बार वह ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को भी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में मार देते हैं। आइए देखें कुछ एग्जांपल जिससे आपको फ्लिक शॉट का यूज पता चल सके। आप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच इस स्ट्रोक से काफी रन बना सकते हैं।
शॉर्ट आर्म पुल। आपने शुभमन गिल को अक्सर स्ट्रोक को खेलते हुए देखा होगा। यह स्ट्रोक कई बार आपको प्रेशर रिलीज करने के काम आता है और बॉलर को भी अपना लाइन लेंथ बदलना पड़ता है। बस ध्यान रखें, बॉल को हवा में ज्यादा ना खेलें, पावर से ज्यादा कंट्रोल पर भरोसा रखें। स्टेप आउट एंड ऑन ड्राइव और पुश। जब कोई बॉलर ज्यादा फ्लाइट देते हुए बॉल को आपसे दूर रखने का प्रयास करता है, तब यह स्ट्रोक बहुत ही कारगर साबित होता है। इस स्ट्रोक में आप ड्राइव और पुश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखें। आप इस स्ट्रोक से बॉल को कब ड्राइव करना है और कब पुश करना है समझ सकते हैं। इस स्ट्रोक को ज्यादा से ज्यादा विद द स्पिन खेलने का प्रयास करें। लॉन्ग ऑन पर जब फील्डर हो तो हल्के हाथों से खेलकर आसानी से रन लिया जा सकता है। ऑफ ड्राइव विथ और विदाउट स्टेप आउट। लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर की फ्लाइटेड बॉल पर विद द स्पिन आप यह स्ट्रोक खेल सकते हैं। इसे अकॉर्डिंग टू फ्लाइट ऑफ द बॉल स्टेप आउट होके या फिर क्रीज पर खड़े होकर खेला जाता है। यह मीडियम पेसर बॉलर और स्पिनर दोनों के विरुद्ध खेला जा सकने वाला स्ट्रोक है। लॉफ्टर ड्राइव ओवर द कवर रीजंस। नॉर्मली हम जो कवर ड्राइव लगाते हैं वह ग्राउंडेड होता है। यह ड्राइव सिंगल, डबल और सही गैप मिलने पर बाउंड्री भी दे जाती है, पर कई बार ऐसा समय आता है जब कवर में हमें गैप नहीं मिल पाता, तब हमें कवर के ऊपर से स्ट्रोक खेलने की जरूरत पड़ती है। इस स्ट्रोक की मास्टरी आपको बड़े रन बनाने में काफी मदद करेगी। कट विद डायरेक्शन। इस स्ट्रोक में पॉइंट और गली के बीच से केवल बॉल को एक दिशा देकर रन बनाना है। यह स्ट्रोक खुले फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन के बाहर की गेंद पर फिर वह मीडियम पेसर हो या स्पिनर, दोनों के विरुद्ध आप यह स्ट्रोक खेलकर काफी रन बना सकते हैं। यह स्ट्रोक ना केवल आपको स्ट्राइक चेंज करने के लिए हेल्प करेगा, बल्कि बड़े स्कोर को बनाने में भी हेल्प करेगा। दोस्तों, यह 7 स्ट्रोक आप अपने बैटिंग में स्मार्टली यूज करें और फिर देखें किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा रन बना पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसका उपयोग नहीं करते, पर कई बार गलत समय में और गलत बॉल पर आप इसका उपयोग करते हैं और आउट हो जाते हैं। इन स्ट्रोक को आप नेट में भी प्रैक्टिस करें और इसका अभ्यास निरंतर नेट और प्रैक्टिस मैचेस में करते रहें। बैटिंग को एंजॉय करें। गुड लक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।